शाहीन इंजर ना होता तो ये ना होता। ये होती है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। 138 रन के टारगेट को भी दीवारें चीन बना दिया, जिसको पार करने के लिए इंग्लैंड टीम के भी पसीने छूट गए। ये तो इंग्लैंड की खुशकिस्मती थी और पाकिस्तान की बदकिस्मती। जब पाकिस्तान जीत के करीब था, एन उसी वक्त पाकिस्तान का शाहीन इंजरी का शिकार हुआ और इंग्लैंड की टीम ने शेरों की तरह मैच में वापसी की। मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। मजबूरी में कप्तान बाबर आजम ने इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग दी और इंग्लैंड के बैटर्स ने उन पर चढ़ाई कर दी। पाकिस्तान को अगर जीत की उम्मीद दिलाई तो वो कौन थे? उम्र सिर्फ 19 साल, नाम है नसीम। वो नसीम जिसने दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बोलती बंद कर दी। वो नसीम जिसने अपने आप को दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर मानने वाले बेन स्टोक्स का पोल खोल दिया। नसीम की घूमती गेंदों ने स्टोक्स को घुमा कर रख दिया। पाकिस्तानी टीम ने मैच में वापस आकर एक बार फिर रिवर्स गियर लगाई और ट्रॉफी इंग्लैंड की झोली में डाल दी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की हार का असल जिम्मेदार कौन था? मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? इफ्तिखार को ओवर देना बाबर की गलती थी या नहीं? बाबर की कैप्टेंसी पर सवालात क्यों उठ रहे हैं? इन सवालों के जवाब आपको देंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook यूजर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम मेलबर्न के मैदान में 92 वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा न करवा सकी। फाइनल के बड़े मैच में टॉस इम्पोर्टेंट था और इंग्लैंड की लक थी कि वो टॉस जीत गई। बाबर और रिजवान ने एक बार फिर वही रिवायती अंदाज अपनाया और पावर प्ले में कछुए की रफ्तार से रन बनाने शुरू किए। छक्के तो दूर, चौके भी न लगा सके और 14 बॉल्स खेल कर मोहम्मद रिजवान 15 ही रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर आउट हुए तो पावर हिटर मोहम्मद हारिस उस स्टाइल से ना खेल सके, जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। हारिस 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद 0, शादाब 20 रन बनाकर वापस पवेलियन पहुंचे। तब तमाम उम्मीदों का मरकज शान मसूद, जो अच्छा खेल रहे थे, वो भी 38 रन बनाकर बड़े शॉट के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। एक साथ कई विकेटें गिरने से पाकिस्तानी बैटर्स प्रेशर में आए और यूं 8 विकेटों के नुकसान पर 138 रन पर ही ब्रेक लगा दी। हदफ के ताकू में इंग्लैंड ने 5वें गियर से टारगेट को चेस करना शुरू किया, मतलब खूब मार धाड़ वाला सीन था। मगर शाहीन के सामने नहीं भाई, शाहीन ने ऊंची उड़ान भरने वाले एलेक्स हेल्स को पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड करके उनके पर काट दिए और अपने पहले ओवर में विकेट लेने का अपना टेरर भी जमाए रखा। 32 रन पर फिल साल भी 10 रन बनाकर हारिस रऊफ का शिकार हो गए। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग के सामने इंग्लिश बैटर्स की टांगे कांपनी शुरू हो गई। अपने अगले ही ओवर में हारिस ने डेंजर मैन कप्तान जोस बटलर को भी चलता किया। तब इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आई, मगर हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को संभाला और स्कोर को बढ़ाना शुरू किया। मगर तब आए नसीम, जिसने अपनी बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार गेंदों से वर्ल्ड क्लास बेन स्टोक्स के रन्स उगलते बल्ले को ब्रेक दिलाई। स्टोक्स नसीम के सामने बेबसी की तस्वीर बने रहे, मगर लकीली स्टोक्स नसीम का शिकार होने से बच गए। शादाब ने हैरी ब्रूक का पता साफ किया। तब पाकिस्तान एक बार फिर मैच में वापस आ चुका था। बाबर ने शाहीन को बॉलिंग दी। फील्डिंग में इंजरी का शिकार होने के बावजूद लड़खड़ाते शाहीन बॉलिंग मार्कअप पर आए और स्टोक्स को ऑफसाइड यॉर्कर मारा, मगर दर्द था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने ओवर को बीच में छोड़ना पड़ गया। फिर इफ्तिखार आए तो जैसे इंग्लैंड को उनके ओवर का ही इंतजार था और उन्हें खूब मारा और 19वें ओवर में मैच जीत कर पाकिस्तानी अरमानों को भी तोड़ डाला। मगर बॉलर्स की फाइट ने क्रिकेट फैंस के दिल जीते। दोस्तों, आप बताएं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।